उत्तर पूर्वी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर एक मकान में अचानक से आग लगने के कारण हड़कंप मच गया। वहीं धधकती हुई इस आग से 7 लाख रुपए कैश भी जलकर राख हो गया है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना नगरी 212B2 ब्लॉक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मनोज कुमार ओझा के मकान में B2-34 में अचानक से आग लग गई। मनोज इस मकान में किराए पर रहते थे। आग लगने के दौरान 2 लड़के भी इस मकान में सो रहे थे। आग की हल्की लपटें देख दोनों लड़के बाहर निकल गए और शोर मचाने लगे। तभी आसपास पड़ोस के लोगों ने घर का सामान निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था। नमस्कार, आदाब, मैं मोहम्मद गुलफाम और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आज हम पहुंचे हैं सीमापुरी विधानसभा थाना नंद नगरी स्थित नंद नगरी के अंदर। नंद नगरी में आपको हम दिखाना चाहेंगे, कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि इधर दिखाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अचानक से यहाँ पर आग लग गई और आग का कारण लगने का यहाँ के स्थानीय लोग शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। और शॉर्ट सर्किट ये कहीं ना कहीं इस मकान को भी हम दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं इस मकान के अंदर जो यहाँ पर सामान रखा हुआ था वो जलकर सुहावा हो गया। और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ बहुमूल्य सामान भी था जो उसमें जलकर राख हो गया। अब जान लेते हैं इस जो यहाँ पर किराए पर रह रहे थे उनसे कि क्या हुआ है, किस तरीके से आपको सूचना लगी। सर, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार ओझा। मनोज कुमार ओझा जी, क्या प्रॉब्लम हुई थी, किस तरीके से आपको पता लगा यहाँ पर? मैं तो मार्केट में था, मैं बाहर था, मुझे फ़ोन गया कि जो है ऐसी ऐसी घटना हो गई है। फिर मैं आया, आप देख रहा हूँ ऐसा है। अब इसमें जो सामान थे सब जल के सुहा हो गए हैं। तो क्या क्या सामान था इसके अंदर, क्या क्या जला है भैया? लेडीज के सामान थे, कुछ कैश पड़े हुए थे पार्टी के, वो सब जल गए। क्या कैश पड़ा हुआ था? करीब 6-7 लाख रुपए पड़े थे। 6-7 लाख रुपए जो पार्टी के पड़े हुए थे वो जलकर स्वाह हो गए। और कैश और जो मतलब बहुमूल्य आभूषण वगैरह होते हैं वो भी जल गए होंगे। पता नहीं सर, अभी तो पता लगेगा जब बुझने पे। जी जो होगा करीब, जो इनके चीज बिखे होंगे वो जल गए। प्रॉपर्टी के कागज थे, जो हमने प्रॉपर्टी खरीद रखे वो सब जल गए। तो ये हादसा किस टाइम हुआ, कैसे पता लगा, किसने इस हादसे को सबसे पहले किसने देखा? जी भैया, क्या हुआ था कि सबसे पहले बताइए। बच्चे अंदर सो रहे थे तीनों जी, फिर एकदम उन्होंने बोला शॉर्ट सर्किट हुआ। फिर हमने 5 मिनट के अंदर पूरे में आग लग गई। सिलेंडर निकाला, बस खाली हम सिलेंडर ही निकाल पाए बस, और सिलेंडर निकाल पाए इतने में पूरे घर में आग फैल गई। अच्छा, जानना चाहेंगे जिस वक्त यहाँ पर आग फैल रही थी तो आपने पुलिस को सूचना नहीं दी? करी थी। किसने, कब करी थी? बात फोन करें, 150 कॉले करी, उसके आधे घंटे बाद लोग वाग आए सब पुलिस वाले। मतलब आपका कहना यह है कि पुलिस समय पर नहीं पहुंची? नहीं, समय पर नहीं पहुंची, आधे घंटे से आग लग रही पूरे घर में। जी, क्या आधे घंटे में दोनों आ गए थे, पुलिस वाले भी फायर ब्रिगेड वाले भी। यानी जिस वक्त कॉल करी उसके आधे घंटे बाद पुलिस और दमकल विभाग के लोग आ गए। हाँ, अच्छा ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ये भी बात निकल कर आती है कि यदि दमकल विभाग समय पर यहाँ पर पहुँच जाता तो आज इस गरीब परिवार का जो आज आशियाना उजड़ गया है शायद उसको बचा लिया जाता। लेकिन समय पर पुलिस और दमकल विभाग का ना पहुँचना भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह इनके कार्य पर लगाता है। साथ ही यहाँ पर स्थानीय निवासी है और जानेंगे। भैया, आपको आप भी यहीं के रहने वाले हैं? माता जी, आप यहाँ के रहने वाली हैं? तो क्या क्या हुआ था, मतलब कुछ जानकारी दीजिए हमें। क्या जानकारी दूँ? जी भैया, आप यहीं गए हो? जी भैया, किस तरीके से यहाँ पर ये जो वारदात हुई है? पता नहीं जी, ऐसी हो गई थी, जब हम आए यहाँ पर तो देखा धुआं सा उठ रहा है जी, अंदर गए फिर सिलेंडर बाहर काढ़ा। किस टाइम की बात है ये भाई साहब? 1-1.5 घंटे पहले की होगी ना, तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले ये मतलब आग जो है यहाँ पर लगी थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वही फोन करे, फिर हमारे पार्षद जी की एक गाड़ी मंगाई, वहाँ से एक गाड़ी उन्होंने भेजी, फिर उसके बाद क्या नाम है इसकी 5 ग्रेड की गाड़ी आई, फिर बुझी आ गया। अच्छा, बता रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग के टाइम से मतलब पुलिस और दमकल विभाग नहीं आ पाई जिसके कारण बड़ा नुकसान हो गया। नहीं, वे तो है ही, वो तो, लेकिन वो भी क्या जाम ही इतना लग रहा। चलिए सर से जान लेते कि जी बताइए क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ी गलती फायर ब्रिगेड की है जो टाइम से यहाँ नहीं पहुँच पाई। तायरपुर से कम उन्हें 1.25 घंटा लगा यहाँ आने में। अच्छा, ये तायरपुर अपना जो है दिलसाद गार्डन के बराबर में थाना है, दिलसाद गार्डन, उसके बराबर सर्किट हुआ, घर में बच्चे सो रहे थे जी। जैसे ही कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, बच्चे ही हैं वो, एकदम भागे, पर यहाँ पे एकदम इस तरीके से आग लग गई कि वो वहाँ रह नहीं पाए जी। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बच्चे बाहर निकले। हमने कोशिश भी करी कि गेट खोल के कुछ देख पाए, तो हमारे भी हिम्मत नहीं पड़ी अंदर घुसने की। मतलब आग का जो विकराल रूप था उसको देखकर आप भी भयभीत हो गए? बिल्कुल, यहाँ सांस लेनी भी मुश्किल पड़ गई थी जी, बहुत ज़्यादा।
तो इस वजह से कुछ तो फायर ब्रिगेड की गलती भी थी, जो टाइम से पहुंच जाती तो इतना नुकसान नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर एक बात सामने निकल कर आई है कि दमकल विभाग का समय से ना आना एक बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि एक बार इस मीटर को दिखा दें, यह मीटर किस तरीके से धू धू कर जला हुआ है और धुआं अभी भी इस कमरे से बाहर आ रहा है। और थोड़ा ऊपर दिखाएं, ये तार जो है, ये तार, इलेक्ट्रिक तार इस खंभे से आ रहे हैं। और उधर उधर चाहूँगा कि उधर दिखाएं वो खंभे पर भैया लाइनमैन वहाँ पर लगे हुए हैं। अच्छा, ये लाइन जोड़ी जा रही है, काटी जा रही है भैया? ये काट रहे हैं, काट रहे हैं, काट रहे हैं। अच्छा, नहीं अभी कोई मुझे बता रहा था कि यहाँ पर लाइन जोड़ दी गई है। पहले चालू कर दी थी, चालू कर दी गई है यहाँ की। अच्छा, अब लाइन चालू है यहाँ पर? लाइन चालू है। अच्छा, हाँ जी, पूरी गली की लाइन चालू? जी, लाइन चालू है, सिर्फ इस कमरे की बंद है। अच्छा, यानी कि इस कमरे की लाइन काट के पूरी गली की लाइन चालू कर रहे हैं जी। पर टेक्निकल बात भी हो सकती है, लेकिन लाइन का चालू करना भी कहीं ना कहीं, क्योंकि तार यहाँ पर देख सकते हैं, सभी तार आपस में ये जले हुए हैं, कितने मीटर इसके साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर लाइन चालू करना ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, और इससे भी हादसा होने के आशंकाएँ जताई जा रही हैं। अच्छा, अब आपसे जानूंगा, मैम आप यहीं रहने वाली हैं जी? अच्छा, आप अंदर घर में थी, क्या नाम है आपका? योग माया ओझा। अच्छा, क्या हुआ था मैम आपके घर में? आप ही के घर है? हाँ, मेरे दो बच्चे अंदर सो रहे थे, मैं दुकान पे गई थी पैसे छुट्टे कराने 100 रुपए का, और वहाँ से जब तक मैं वापस आ रही हूँ 2 ही मिनट लगा मुझे चौक से घर तक आने में, इतने में सारा लपट सारा आग फैल गया है, बच्चे मेरे बाहर चिल्ला के भाग रहे हैं। अच्छा, बच्चों को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? बच्चों को नहीं, 3 मोबाइल जल गए जी। और मेरा कम से कम समझ लो कि 7 लाख रुपया 8 लाख रुपया मेरा इनका था, प्रॉपर्टी का देना था वो भी जल गया, इनका ऑफिस का पैसा था वो भी जल गया, और 8-10 लाख का मेरा सामान जल गया पूरा। 8-10 लाख रुपए का आपका सामान जल गया, 8-10 लाख, तकरीबन 20 लाख रुपए का आपका नुकसान हो गया। मैम एक बार इसको दिखा दीजिए प्लीज, ये वो बहुमूल्य दस्तावेज हैं, और इसमें आप देख भी सकते हैं कि कुछ पेमेंट भी कहीं ना कहीं पैसे भी दिखाई दे रहे हैं। तो लगता है कि जिस तरीके से आग लगी है ये एक बड़ा विकराल है, और बड़े विकराल रूप से जो ये आग लगी है ये कहीं ना कहीं इस गरीब परिवार को हास्यात्मक स्थान पर पहुंचाती हुई नज़र आ रही है। यानी कि एक बात मैं कहूं तो कहीं ना कहीं इनका आशियाना उजड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और इनका आशियाना उजड़ गया है। अच्छा, यहां पर स्थानीय नेता या अभी तक कोई पुलिसकर्मी जो बड़े अधिकारी होते कोई आया अभी तक? कोई नहीं, अधिकारी आया था जी जी, फायर ब्रिगेड ही आए हैं एक घंटे में। अच्छा, हाँ, नीचे आग पकड़ी थी, तुरंत लोग फोन किए, घंटा भर लगा दिया, अगर टाइम से आ जाते तो नीचे बुझ जाता, बाकी सामान तो मेरा बच जाता, लेकिन टाइम से नहीं आए हैं। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे तो आए थे, लेकिन स्थानीय निगम पार्षद? स्थानीय कोई नहीं, कोई नहीं आया अभी, कोई नहीं, कोई नहीं जी, कार्यकर्ता है वो आए थे, यानी कि सुध लेने के लिए उनके कार्यकर्ता यहाँ पर आए। चलिए ठीक है, चुनाव का भी समय है, हो सकता है समय ना मिला हो, लेकिन ये गली कौन सी भैया? ये भैया अपने B2 नंद नगरी बी ब्लॉक 212 बस नियर बाई 212 बस स्टैंड पड़ता है। तो नंद नगरी नियर बाई 212 के स्टैंड में B2 गली नंबर 2 के अंदर ये हादसा हुआ है, यह हादसा हुआ है, और इस हादसे की आपने तस्वीर देखी है, ये तस्वीरें दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं आए दिन नज़र आती रहती हैं, कहीं गाड़ियों में आग लग जाती है तो कहीं मकानों में आग लग जाती है तो कहीं फैक्ट्रियों के अंदर आग लग जाती है, लेकिन सभी का कारण ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट बताया जाता है। तो ये एक चिंता का विषय है, आखिर बिजली विभाग के लोग किस तरीके से कार्य करते हैं और अपने तारों का जाल दिल्ली के अंदर किस तरह से बिछाते हैं जिसके कारण इतने बड़े हादसे हो जाते हैं। खैर बहरहाल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। कैमरा पर्सन आरिफ सिद्दीकी के साथ मैं मोहम्मद गुलफाम।